नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। चलिए आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। मनेर में एक आयोजित प्रोग्राम के दौरान देश के जवानों को भी राखी की बधाई देने आई ब्रह्म कुमारी बहनें। सूरत में 9000 रुपए किलो की मिठाई तैयार की गई है। आजादी के मौके पर जगमगाया संसद भवन, मोदी ने किया उद्घाटन। कश्मीर में 15 अगस्त की तैयारियां बहुत ही जोरदार तरीके से चल रही है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 15 अगस्त यानी आजादी के दिन पर वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। पर कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अपनी बहनों से दूर है और उनसे राखी बंधवा नहीं पा रहे। ऐसे ही बिहार के मनेर में राखी का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वहां की ब्रह्म कुमारी बहनें फौजी भाइयों को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कर रही हैं। क्या आपने कभी 9000 रुपए किलो की मिठाइयां देखी या चखी हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी मिठाइयां कौन सी होती हैं? तो आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में 9000 रुपए किलो की एक मिठाई तैयार की गई है। इस मिठाई में कुछ खास है जो इसको इतना महंगा बनाती है। इस मिठाई पर सोने की परत चढ़ी हुई है। आप शायद इतनी महंगी मिठाई को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस शॉप पर खरीदारों की लाइन लगी हुई है। आज़ादी के मौके पर संसद भवन को तिरंगे और इंद्रधनुषी रंग से सजाया गया है। पूरा संसद भवन इस वक्त LED लाइट से जगमगाया हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथ ही वहां पर स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन हर्षवर्धन भी मौजूद थे। और इसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ संसद भवन को सजाना ही नहीं बल्कि बिजली बचाना भी है। कश्मीर में आज़ादी के बाद हर दिन सुधार हो रहा है और अब 15 अगस्त की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। लोगों का जोश बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। अलग अलग तरह के प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं। नए कश्मीर की आज़ादी का जश्न और खुशी भी साफ सामने आ रही है। आपको याद दिला दें कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को तब मार गिराया था जब पाकिस्तान ने भारतीय हवाई में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस दौरान अभिनंदन का वायुयान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान में जा गिरे और वहां से पाक सेना ने उनको हिरासत में ले लिया था। मगर लोगों की दुआओं से पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत वापसी लौटा दिया। लेकिन पाक में भी जिस तरह अभिनंदन ने अपना हौसला दिखाया उससे जनता का सर गर्व से ऊंचा हो गया। इसीलिए विंग कमांडर अभिनंदन को कल यानी 15 अगस्त को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।